मॉर्निंग, आपके अपने यूट्यूब चैनल में थेफ्टी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं दुनिया का सबसे फास्ट और सबसे नया कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो दो डिजिट के कम्बिनेशन से बने हुए नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये आपको पसंद आ जाता है तो हमारे चैनल मैथ एफटी के कमेंट बॉक्स में लिखे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 8 डिजिट के नंबर कम्बिनेशन से बने हुए नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करें वो मैं आपको बताऊँगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ, ताकि आपके बच्चों का ब्रेन शार्प होगा। देखिए, दो डिजिट है 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई हमारी दुनिया में करना ही नहीं है, इनको आप भूल जाइए। मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को नीचे उतार लीजिए। 15 को 11 से करना है, 11 से करना ही नहीं है, 15 को नीचे उतार लिया, इसमें जो है ना इनका दहाई अंक जो है वो जोड़ दीजिए। तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, और 16 जोड़ने के बाद इनका जो इकाई अंक होगा उनको लाके एज इट इज़ रख दीजिए, यही इनका जवाब हुआ। दूसरा देखिए कि 47 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, जो नंबर है उनको उतार के नीचे लेके आइए, इसमें इनके दहाई अंक को जोड़ दीजिए। 47 में 4 जुड़िएगा, 7 4 11, ये आपको होगा 51। इनका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उनको एज इट इज़ रख दीजिए। जब भी 47 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 517 आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई जवाब नहीं आएगा। तीसरा देखिए, 64 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, जिससे करना है उनको इज्जत से नीचे लेके आइए, इनके दहाई को इसमें जोड़ डालिए। तो कितना होगा, 6 4 10, ये हो जाएगा आपको 70। 64 प्लस 6 70, इनका जो इकाई अंक है उनको एज इट इज़ उतार दीजिए, ये 704, यही इनका जवाब होगा। 64 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 407 होगा। एक दो सवाल और देख लें, ये देखिए 87 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कोई सीरीज का काम नहीं, सिर्फ दो डिजिट का नंबर चाहिए जिसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, इस 87 को नीचे उतारिए, इनका जो दहाई अंक है इसमें आप इसको जोड़ दीजिए। तो 8 7 कितना होगा, 15 5 8 है कितना होगा, 9 होगा। इनका जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, इनको एज इट इज़ ले जाकर रख दीजिए, यही इनका जवाब होगा 957। जब 87 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 957 होगा। जैसे 97 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करना ही नहीं है, यही किताब पढ़ना है। इस 97 को एज इट इज़ उतारिए, इनका जो दहाई है इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 97 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 6, हाथ में 1 और 9 1 कितना होगा, 10 106। इनके यूनिट डिजिट को ले जाइए और इज्जत से रख दीजिए, यही आपको 267 सवाल होगा। ये दुनिया का सबसे फास्ट और सबसे नया मेथड है। अगर पसंद आता है तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है तो महसूस करते हैं तो कर ले, वरना आपकी इच्छा है, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको 2 डिजिट की जगह पे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 11 से चाहिए, या 4 डिजिट के कम्बिनेशन से बने हुए नंबर का मल्टीप्लिकेशन 11 से चाहिए, या 5 डिजिट का चाहिए, 6 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मैं बना के आप तक फिर इसको बताऊँगा कि कैसे निकलते। उसमें भी अद्भुत ट्रिक है, एक से कलाकारी मैं आपको दिखाऊँगा। शर्त यह है कि इस वीडियो को देखें। अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये दुनिया का सबसे नया और सबसे फास्ट ट्रिक है, जहाँ मल्टीप्लीकेशन की जगह पे सिर्फ एडिशन का काम करना है, मल्टीप्लीकेशन का काम करना ही नहीं है। ये सिर्फ एडिशन का काम करके मल्टीप्लीकेशन का जवाब आपको यहाँ रख दिया है। थैंक यू वेरी मच, इसको वॉच करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।